What do you mean by material management? Explain the importance and scope of material management. Material management, यानी हाँ तुम्हारे बुकलेट वाले पैम्फलेट के अंदर 15 वाला पेज नंबर है और उसके अंदर 15 वाला, वो भी दोनों में 15 पेज नंबर, 16। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल मैनेजमेंट? तो मीनिंग देखें, मटेरियल मैनेजमेंट मींस टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट, अंडरलाइन करते जाए, अरेंजमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रॉपर यू क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ऑल मटेरियल्स। क्वालिटी भी बराबर होनी चाहिए जो मटेरियल आप मांगते हो उसकी, और साथ में उसकी क्वांटिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए, साथ में प्रॉपर टाइम और मिनिमम कॉस्ट। ओके, यानी ये एक्टिविटी किसके साथ कंसर्न है? सुनो ध्यान से। कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल काइंड्स, क्वालिटी, टाइमिंग एंड मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड पार्ट्स यूज इन प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन में यूज होने वाले हर चीज के लिए ये आ गया। सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है, देखो, प्लानिंग, प्रोकरिंग, स्टोरिंग एंड प्रोवाइडिंग द अप्रोप्रिएट मटेरियल ऑफ राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, एट राइट प्लेस, राइट टाइम। बराबर, ये सब राइट जो है ना वो होना चाहिए, तो मटेरियल मैनेजमेंट हुआ। आपके सामने जो डेफिनेशन है उसमें से एक डेफिनेशन बैथेल की डेफिनेशन आएगी। अलग हाँ, अब ये इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट से शुरू करते हैं। होल्ड इट। देखिए, मैं सेकंड क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट है, वो सब में कॉमन होगा। अच्छा ओके, तो देखिए, पहले प्राइमरी फंक्शन है, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, ये प्राइमरी फंक्शन देख लो, 15, 16, 17, 18, 4 साल पूछे गए। ठीक है, 15, 16, 17 और 18। पहले एमआरपी आएगा, एमआरपी का मतलब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। एमआरपी मीन्स लर्निंग अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। पहले तुमको कितने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में समझना, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60% तुम्हारा पैसा मटेरियल के अंदर इन्वेस्टेड होता है। तो अगर तुम्हारे प्रॉफिट कितना होगा वो किस पे डिपेंड करता है, कि तुम मटेरियल को कैसे यूटिलाइज करते हो, यानी मटेरियल को कैसे हम फंक्शनिंग करते हो, उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है, और कौन कौन सी बातें आती है। सबसे पहले तो एस्टिमेशन ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट्स, हर पार्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है उसका एस्टिमेट निकालो। दूसरी बात, मटेरियल का बजट बनाए। तीसरी बात, फोरकास्टिंग द लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। लेवल ऑफ इन्वेंट्री मतलब स्टॉक कितना रखना है, कितना स्टॉक होगा तो प्रोडक्शन करने में हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। और शेड्यूलिंग द ऑर्डर्स, ऑर्डर का शेड्यूल बनाना। एंड उसके बाद में लास्ट में मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एज पर द रिडक्शन इन द साइज। अगर समझो कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से कितना हमारा परफॉर्मेंस हुआ बराबर के नहीं हुआ, ये देखना है। ओके, फिर इसमें एक टेक्निक है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जस्ट इन टाइम, वो ये वाले पैम्फलेट में जे खाली, जस्ट इन टाइम, ये पहले पूछा जाता था, अभी सिलेबस के अंदर इन लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है। जस्ट इन टाइम ये सबसे लेटेस्ट टेक्निक है, विच इज यूज इन एमआरपी, जिसका मतलब नो इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम यानी मटलब आज जरूरत पड़े ना तो आज मटेरियल आएगा, आज अगर जरूरत पड़ी तो आज मटेरियल आएगा, एक दिन पहले भी मटेरियल नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले मटेरियल आया तो एक दिन पहले तुमको पेमेंट करना पड़ेगा उसकी वजह से।
बट इन रियलिटी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कीप नो इन्वेंट्री. लेकिन कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जीरो इन्वेंट्री से चल सकते नहीं. इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? पहली बात तो इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का भी आ गया उसके अंदर, सब आ गया. ओके. एमआरपी कैन बी यूज्ड टू प्लान द मटेरियल सच एज रॉ मटेरियल, फिनिश पार्ट्स, कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज एंड असेंबलीज एज पर द बिल ऑफ मटेरियल, BOM, बिल ऑफ मटेरियल, विच सपोर्ट्स द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल. मेन प्रोडक्शन शेड्यूल को सपोर्ट करने वाला ये आता है. अब दूसरा आता है देखो इसके बाद में, परचेजिंग. परचेजिंग क्यों? क्योंकि 50 से लेके 60% जो सेल्स का है ना वो किस में चला जाता है? तुम्हारे मटेरियल को परचेज करने में पैसा चला जाता है. तो प्रॉफिट भी डिपेंड करेगा तुम्हारे इकोनॉमिक परचेजिंग ऑफ मटेरियल के ऊपर. मतलब कितना तुम परचेजिंग करते हो उसमें, इकोनॉमिक परचेजिंग का मतलब जितना हो सके उतना उसके अंदर बचत होनी चाहिए. बराबर. एंड दिस रिक्वायर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग सच एज राइट क्वांटिटी, बराबर क्वांटिटी के अंदर परचेज होना चाहिए, बराबर क्वालिटी के अंदर परचेज होना चाहिए, सही प्राइस के अंदर सही प्लेस और सही सोर्स ऑफ सप्लाई, सही सप्लायर के पास से हमको परचेज करना चाहिए. अब इसमें शुरुआत कहाँ से होती है? देखो पहले एस्टिमेट करेंगे प्रॉपर कि कितना परचेज करना है. उसके बाद में प्रॉपर ऑथोरिटी मेक्स एंड सेंड द रिक्विजिशन ऑफ मटेरियल. मतलब हम मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है उसका रिक्विजिशन नोट बोलेंगे. रिक्विजिशन नोट का मतलब कितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो तैयार करके भेजना. फिर प्रॉपर सप्लाई को सिलेक्ट किया जाएगा यानी कौन सा सप्लायर होगा. फिर प्राइस के बारे में नेगोशिएशन किया जाएगा और जो सबसे सस्ता हो ने चीपेस्ट प्राइस उसी को परचेस करेंगे. फिर क्वालिटी अपने अश्योर करेंगे क्योंकि उसमें कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. राइट क्वांटिटी और राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल एट द टाइम और चीपेस्ट कॉस्ट के ऊपर सबसे सस्ते में परचेस होना चाहिए. एंड सेटिंग प्रॉपर परचेस पॉलिसी एंड प्रोसीजर. और परचेस का एक तरीका होना चाहिए, परचेस का एक प्रोसीजर होना चाहिए, उस प्रोसीजर को हमको फॉलो करना है. फिर उसके बाद आता है इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल. ये दोनों है ना स्टोर मैनेजमेंट फंक्शन है. टू एंश्योर स्मूथ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन देयर मस्ट बी इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल बाय वेरियस एनालिसिस. नहीं, इन्वेंट्री कंट्रोल थ्रू वेरियस एनालिसिस ऑफ सच सिस्टम. इन्वेंट्री कंट्रोल में हम कौन कौन से मेथड को यूज करते हैं? ABC मेथड को यूज करेंगे. फिर उसके बाद में XYZ मेथड आती है, EOQ मेथड यानी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, और सेफ्टी स्टॉक लेवल. सेफ्टी का मतलब वो स्टॉक लेवल है कि जहां तक पहुंचने के बाद उसके नीचे अगर स्टॉक चला गया तो उसके बाद में हमारे लिए प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना डिफिकल्ट हो जाएगा. फिर लीड टाइम एनालिसिस का मतलब आज मैंने स्टॉक का ऑर्डर दिया तो उसके बाद कितना टाइम लगता है उसको मेरे तक पहुंचने में, तो इसको लीड टाइम बोला जाता है. एंड रिपोर्टिंग. फिर आता है इसके बाद में असर्टेनिंग एंड मेंटेनिंग द फ्लो एंड सप्लाई ऑफ मटेरियल. ये फंक्शन में कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए एंड सप्लाई ऑफ मटेरियल ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्शन सेंटर्स एंड डिपार्टमेंट. अगर स्टॉक आउट हुआ, स्टॉक आउट यानी स्टॉक का खाली हो जाना, और स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन अगर बंद हो गया बिकॉज ऑफ जीरो इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री ना होने के कारण, तो ये गलत है. फिर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मटेरियल, राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल का आना जरूरी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे? इंस्पेक्शन करेंगे. जो मटेरियल आता है उसका इंस्पेक्शन करेंगे. फिर सिंप्लीफिकेशन, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई प्रोसेस को करना है. फिर क्वालिटी कंट्रोल, अगर जरा भी क्वालिटी के अंदर 19-20 हुआ ना तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. स्पेसिफिकेशन, पहले से सामने वाले को बता दिया जाता है कि हमको इसी तरह की क्वालिटी वाली चीज़ चाहिए. एंड स्टैंडर्डाइजेशन, हर प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड बना देना है कि इस स्टैंडर्ड से नीचे हम नहीं जाएंगे. फिर आता है लास्ट वन, डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी. टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन एफिशिएंटली देयर मस्ट बी एन एफिशिएंट कंट्रोल ओवर ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट.
फॉर दिस देयर मस्ट बी यूज ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो अगर एफिशिएंसी मेंटेन करनी है ना, तो एमआईएस चाहिए। एमआईएस का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन तुमको इनसाइड या तो आउटसाइड से मिलती है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते जाओ और उसको अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज करो। एंड फीडबैक कंट्रोल इन मटेरियल मैनेजमेंट, और बाद में क्या आएगा, फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल का मतलब हम जो भी समझेंगे, अगर मैंने मटेरियल को फाइनली प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद में उसमें से गलती निकले तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा जितना भी खर्चा हुआ ना, सब कुछ वेस्टेज में चला जाएगा। लेकिन बीच में से अगर मैं उसको निकालता हूँ, वहां पे भी प्रॉब्लम, कि अगर बीच में से निकाला तो वहां पे भी जितना अभी तक प्रोसेस हुआ वो भी बेकार चला गया। तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, जहां से मटेरियल तुम इसको इनपुट डालते हो ना, वहीं से तुमको क्वालिटी कंट्रोल रखना है। अब इसके बाद आते हैं तुम्हारे सेकेंडरी फंक्शंस। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या, टू डिसाइड द स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी, साइज एंड परफॉर्मेंस। जैसे कितने किलोग्राम, आप ये तिजोरी बनाने वाले जो होते हैं ना, वो खास पतरे की क्वालिटी देखते हैं कि एक मीटर के अंदर कितने किलोग्राम का आना चाहिए, बराबर उसका गेज देखा जाता है, तो वो स्टैंडर्ड है उनका। उससे कम अगर वेट में आएगा ना, तो वो परचेज भी नहीं करेंगे, या ज्यादा वेट में आएगा तो भी परचेज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ स्टैंडर्ड क्वालिटी का, साइज का और परफॉर्मेंस का, तीनों का चाहिए। इट एंश्योर्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड रिड्यूस वेस्टेजेस। इसमें वेस्टेज कम होता है और बराबर यूटिलाइज होगा मटेरियल, वेस्टेज कम हो इसलिए। एंड सिंप्लीफिकेशन का मतलब जितनी ज्यादा वेराइटी रखोगे ना, उतना ज्यादा दिमाग खलास होगा कस्टमर का भी। कंफ्यूजिंग कब लगता है, कि जब तुम एक प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाते हो और उसके सामने तुम्हारे पास सैकड़ों ऑप्शन रखे जाते हैं, तो सामने वाला भी कंफ्यूज होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैन्युफैक्चरर को है, कि उसको हर प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए सिंप्लीफिकेशन का मतलब अननेसेसरी प्रोडक्ट को हटा देना, तो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट को कम करना, उनके टाइप्स को कम करना, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स। दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द अननेसेसरी मटेरियल इन्वेंट्रीज। दिस इंश्योर्स प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स एट लोएस्ट लोअर कॉस्ट। अब एक बात समझो, कि 10 नंबर तक के चप्पल आते हैं, 1 नंबर का नहीं होता, वो अलग होता है वापिस, वो बच्चों के लिए अलग होता है, उसके नंबर अलग होते हैं। अब 10 से अगर किसी का पैर समझो कि 11 नंबर के चप्पल की बात करें तो मिलेगा नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन है। कोई बोले मुझे 9.5 नंबर के चाहिए, तो वो भी ना मिले, या तो 9 का पेन या तो 10 का पेन, जो तेरे को कन्वीनियंट लगे। एग्जैक्टली सेम साइज नहीं, सिंप्लीफिकेशन हुआ। नहीं तो तुम तो 9.1, 9.2, 9.3 बनाते जाओगे तो कैसे ग्राहक मिलेंगे, बराबर के नहीं। हर किसी में 10 10 10 10 आपको डेसिमल लिखने, तो इसका मतलब 100 अलग अलग क्वालिटी बनानी पड़े, तो ये बन नहीं सकता। इसलिए अपने सिंप्लीफिकेशन पे जाते हैं। डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। हम यहाँ पे CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं CAM का मतलब, और CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग बोलते हैं, कैम एंड केड। कंप्यूटर एडेड, एडेड यानी AIDED, यानी कंप्यूटर की मदद से मैन्युफैक्चरिंग करना। सबसे अच्छा एग्जांपल किसके अंदर है, ये एशियन पेंट के आउटलेट के अंदर जाओगे ना कलर लेने के लिए, तो कलर उनके पास होता नहीं है, तुम जो बोलो ना वो कलर, तो एक मशीन से बना लेते हैं। तो ये कंप्यूटर के ऊपर खाली उनको एक कोड नंबर डालना है, फिर कोड नंबर डालेंगे ना, तो उसके बाद में आपको जो बेसिक कलर है ना, उसके डब्बे वहां पे रख देने, बस हो गया। उसके बाद में कलर बन के एक डब्बे में तैयार होके आ जाएगा, सील भी वही मशीन के अंदर हो जाएगा। ये आसान कैसे हो गया, क्योंकि कंप्यूटर है इसलिए, और इसमें जरा भी बारीकी से भी इधर उधर जरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्यूटराइज प्रोसेस है। तो ये कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ऐसे ही डिजाइनिंग होता है कैड, कैड डिजाइन यानी ऑटो कैड जिसको बोलते हैं, जो बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनाई जाती है उसकी स्टेबिलिटी का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए कैड सॉफ्टवेयर को ये लोग यूज करते हैं, ऑटो कैड जिसको बोलते हैं। अडोब नाम की एक कंपनी बनाती है उसको, एक्चुअली अडोब ही बोलते हैं उसको, पर अपने सब अडोब बोलते हैं यहाँ पे। कंपनी कैन डिजाइन एंड प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। नाउ व्हेन देर आर चेंजेस इन द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, तो मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को नए पार्ट लाने पड़ेंगे। डिजाइन में चेंज करो तो पार्ट बदलेंगे ना, जैसे अपने देखते हैं कि इवन स्कूटर्स की डिजाइन में चेंज आते हैं, बराबर फोन की डिजाइन में चेंज आता है। अब फोन गर्म ना हो इसलिए कूलेंट डाला जाता है उसके अंदर,
ग्रेफाइट का कूलेंट उसके अंदर डाला जाता है जिससे ना फोन ज्यादा गर्म ना हो, अगर ज्यादा यूज करता है कोई इंसान तो। ये नई नई डिजाइन आती है, तो नई डिजाइन तो नए कंपोनेंट मांगेगी तुमसे। फिर आता है उसके बाद में मेक और बाय डिसीजन। इट इज अ पॉलिसी डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट, यानी अगर कंपनी ग्रो करती है ना तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी का सेल्स बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे हम दो में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम सीधी बात करें तो अगर बस बनाने वाली कंपनी है तो टायर खुद बनाए के बाहर से परचेस कर ले, क्योंकि टायर अगर खुद बनाएगी तो अपनी बसेस के लिए टायर तो बना पाएगी, लेकिन उसके पास ज़्यादा फैसिलिटी भी चाहिए, नई एक जगह चाहिए ना, नए वर्कर्स चाहिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए लोग चाहिए। लेकिन अगर डायरेक्टली परचेस कर ले तो वो शायद सस्ता भी पड़े उसको। तो यहाँ पे कौन से दो में से अपने ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ये देखा जाता है। टू बाय द पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स और टू इंक्रीज इट्स फैसिलिटीज टू कोप अप विद द इंक्रीज इन डिमांड एंड सेल्स। द मेक और बाय डिसीजन, उसमें सबसे पहले बात तो मटेरियल का इवेल्युएशन किया जाता है कि कौन सा मटेरियल चाहिए और इसकी ज़रूरत कितनी है। दूसरी बात, मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, मार्केट में है कि नहीं। फिर ऑल्टरनेटिव मटेरियल सिलेक्शन, एक से ज़्यादा जगह से वो मिल सकता है। प्रोक्योरमेंट, कैसे लाया जाएगा मटेरियल को। और इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब इसकी क्वांटिटी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो बात आती है। ये जो डिसीजन है वो कॉस्ट इकोनॉमीज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, कोडिंग का मतलब, ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में से आता है। कोडिंग का मतलब अपने ने कोड दे देंगे कि इसमें से कौन सा मटेरियल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, कौन सा बिल्कुल भी नहीं होगा तो भी चल जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दो कि साइकिल बनाने वाली कंपनी के अंदर कितने पार्ट्स एकदम ज़रूरी है। साइकिल पूरी तरह से बनाने के लिए उसकी फ्रेम का होना ज़रूरी है, उसके व्हील्स का होना ज़रूरी है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स है, इसके बिना चलेगा नहीं। उसके बाद में अगर समझो ब्रेक लास्ट में लगा लेंगे तो चलेगा बराबर, उसके पंखे लास्ट में फिट कर देंगे तो चलेगा, लेकिन फ्रेम बिना साइकिल बनेगी कैसे। तो कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि जिसके बिना चले ना, उसको ए कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ के बिना थोड़ा टाइम चल सकता है तो उसको बी कैटेगरी में, और किसी के परचेज को अपने जब तक सेल नहीं होता तब तक पोस्टपोन कर सके उसको सी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इसको कोडिंग बोला जाता है। एबीसी एनालिसिस इज वन ऑफ द सिंपल एंड स्टैंडर्ड मेथड जो मटेरियल के क्लासिफिकेशन और स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। द मटेरियल विच आर परचेज एंड स्टोर्ड आर रिकोगनाइज एज अ कोड्स एंड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्लासिफिकेशन। फिर आता है उसका वर्गीकरण के बारे में, नोमेनक्लेचर। फिर फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज बेस्ड ऑन करेक्ट फोरकास्टिंग ऑफ सेल्स एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ व्हेन द डिमांड इज फ्लक्चुएटिंग, जब डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है, देर मे बी अनसर्टेनिटी इन सप्लाई ऑल्सो। वहाँ पे सप्लाई में भी तुम्हारी अनसर्टेनिटी। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मटेरियल डिपार्टमेंट शुड मेंटेन प्रॉपर क्वांटिटी इन इन्वेंट्री ऑफ शॉर्ट सप्लाई मटेरियल्स एट प्रॉपर टाइम। तो हम क्या करेंगे, पहले से फोरकास्टिंग करेंगे कितने मटेरियल की कब जरूरत पड़ेगी। फिर अगर लगता है कि किसी मटेरियल के आने में बहुत टाइम लगता है तो उसका ऑर्डर पहले से देना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई रेडीली अवेलेबल मटेरियल है तो उसका ऑर्डर पहले से देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये प्लानिंग हुआ, राइट। अब इम्पोर्टेंस एक क्वेश्चन बाकी है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं जो फर्स्ट वाला था वो। अच्छा इसमें दोनों में अलग अलग है। मैं इस वाला जो मेन पैम्फलेट है ना वो वाला आपको पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा है वो नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। दूसरी बात, इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट। प्लांट की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ती है। इसके बाद में लेबर का टाइम बचता है, क्योंकि मटेरियल रेडीली अवेलेबल होगा तो उसको बेकार बैठा नहीं रहना पड़ेगा। इन्वेंट्री रिड्यूस होती है, और रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज की जगह जो कम पड़ती है वो नहीं होगी। और दूसरी बात, इन्वेंट्री जो है ना, यानी जो स्टॉक है उसका रिडक्शन नहीं, इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ डैमेज ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल का डैमेज होने के चांसेस है ना बहुत कम हो जाते हैं। इट एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कंट्रोल बिकम्स ईजी, स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। फिर प्रोडक्शन कंट्रोल
यानी प्रोडक्शन कब करना है, कितना करना है, उसके ऊपर कंट्रोल लाया जा सकता है। एंड एम्प्लॉय का फैटिग, फैटिग यानी थकान, वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड इट एंश्योर्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जितने भी तुम्हारे दूसरे रिसोर्सेज है जैसे मशीन्स वगैरह, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा, राइट? दो में से कोई भी लिखेंगे चलेगा, वो वाला भी राइट है, ये वाला भी राइट है, ओके? इसमें मैंने ना बैसिल की डेफिनेशन को एक्स्ट्रा लिखा है, तो यहाँ पे आपका मटेरियल मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है।